हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग जो हैं इंग्लिश लिटरेचर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ नॉवेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं हमारे एग्ज़ाम्स में आते हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, क्योंकि जितना आप लाइक और शेयर करते हैं उतना हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके सामने और भी अच्छे अच्छे वीडियो प्रेजेंट कर सकें। तो जो ये वीडियो हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम, सेट एग्ज़ाम, गेट एग्ज़ाम या फिर डीएसएसबी, ईएमआरएस, केवीएस और एनवीएस के टीजीटी, पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर में, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं थ्रू द स्टेट पीएससी इंग्लिश लिटरेचर से। तो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए ये वीडियो जो है बहुत हेल्पफुल रहेगा। स्टूडेंट्स, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है, तो हमारे कोर्स से रिलेटेड किसी भी तरह की क्वेरी को आप हमसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो हैं टाइप्स ऑफ नॉवेल्स के बारे में इन 12 टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट है रियलिस्टिक नॉवल, सेकेंड है पिकारेस्क नॉवल, या फिर थर्ड है हिस्टोरिकल नॉवल, देन एपिस्टोलरी नॉवल, गॉथिक नॉवल, ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल, एलिगोरिकल नॉवल, उटोपियन नॉवल, डेस्टोपियन नॉवल, साइकोलॉजिकल नॉवल, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल एंड बिल्डिंग्स रोमन नॉवल। ओके, तो इनके बारे में हम लोग जो है एक एक करके डिस्कस करते हैं इन डिस्कशन को। तो सबसे पहले हम जो है रियलिस्टिक नॉवल को पढ़ते हैं। तो रियलिस्टिक नॉवल के अंदर अगर देखा जाए कि नाम से ही पता चल रहा है, रियलिस्टिक नॉवल मतलब रियलिज्म से रिलेटेड। तो ऐसे नॉवल जो कि हमारी डेली एस्पेक्ट्स की लाइफ से रिलेटेड जो नॉवल होते हैं, जहाँ पर किसी भी तरह की कोई इमेजिनेशन नहीं है, जो भी हमारे सामने फैक्ट्स हैं उनके सामने उनको ऐसे ही प्रेजेंट किया जाता है, किसी भी तरह का कोई एक तरह से बोला जाए कि डायरेक्ट बहुत लेवल पर, वर्चुअल लेवल पर, इमेजिनेशन लेवल पर नहीं, बल्कि आप हमारी जो डेली लाइफ से रिलेटेड जो भी नॉवल्स रिलेटेड होते हैं उनको हम लोग जो हैं रियलिस्टिक नॉवल कहते हैं। अब इसके अंदर जो है इस नॉवेल्स को हम लोग जो हैं नॉवल ऑफ मैनर्स भी कहते हैं, और इसमें जो नॉवेल्स के अंदर जो कैरेक्टर्स को प्रेजेंट किया जाता है, जितने भी कैरेक्टर्स हम लोग अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, जितने भी तरह के जो उनके अंदर जो फीचर्स होते हैं उन से रिलेटेड ही कैरेक्टर्स को प्रेजेंट किया जाता है, और उनके अंदर सभी तरह की जो क्वालिटीज़ हैं उनमें प्रेजेंट किया जाता है। जैसे अगर हम लोग देखें तो हमारी खुद की सोसाइटी के अंदर हम लोग जो हैं डिफरेंट स्ट्रेटा में बटे हुए हैं, कोई पुअर है, कोई रिच है। तो इसी तरह के कैरेक्टर्स जो हैं हमारी जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, रियलिस्टिक नॉवल में भी उसी तरह के जो कैरेक्टर्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो इनमें जो हैं जितने भी कैरेक्टर्स जिस तरह से अपनी डेली लाइफ में जाते हैं, डेली लाइफ में किस तरह के इवेंट से डेली गुजरते हैं, जैसे उसको जो है रियलिस्टिक एस्पेक्ट्स को प्रेजेंट किया जाता है बाय द नॉवलिस्ट। तो यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है, तो किसी भी तरह का इमेजिनेशन नहीं, किसी भी तरह का बहुत जैसे होता है ना कि बहुत रियल वर्चुअल लेवल पर जाके जो नॉवलिस्ट हैं अपनी इमेजिनेशन से कहीं पर भी लेके चले जाते हैं, तो इसमें इस तरह के नॉवल्स में ऐसा नहीं होता है। जैसा प्रेजेंट किया जाता है जो कि रियलिस्टिक है उसी तरह की चीज़ों को प्रेजेंट किया जाता है। अब रियलिस्टिक नॉवल्स में जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन बाय द मार्क ट्वेन, देन द रेड बैज ऑफ करेज बाय द स्टीफन क्रेन, जो कि बहुत यंग एज में इनकी डेथ हो गई थी, बट इन्होंने ये जो नॉवल था बहुत बेहतरीन नॉवल लिखा था, इसको आप जरूर पढ़िएगा। देन द हाउस ऑफ मर्थ बाय द एगेट वॉर्थन, देन डेजी मिलर बाय द हेनरी जेम्स, द कॉल ऑफ द वाइल्ड बाय द जैक लंडन, जो कि बहुत एक तरह की वहाँ पे जो डॉग्स होते हैं उनके बारे में कहानी है, आप उन्हें भेड़िया भी कह सकते हैं इसमें। देन मिडिल मार्च बाय द जॉर्ज इलियट्स, देन वैनिटी फेयर बाय द विलियम मेक पीस ठाकरे। तो इस तरह के जो नॉवल्स हैं ये रियलिस्टिक नॉवल्स के कुछ आपके सामने मैंने एग्जाम्पल प्रेजेंट किए हैं, जाके इनको आप जरूर देख सकते हैं, इनके बारे में पढ़ सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारा नॉवल आता है पिकारेस्क नॉवल, जो कि पिकारेस्क नॉवल अगर जो देखा जाए तो यहाँ पर पिकारेस्क नॉवल में देखा जाए कि ये जो वर्ड है पिकारेस्क इस स्पेनिश वर्ड से आया है पिकारो, विच मीन्स द रघु। ओके, तो यहाँ पे जो रघु है मतलब एक तरह का एक ऐसा वर्ड है जो कि बैड कैरेक्टर से रिलेटेड होता है। तो पिकारेस्क नॉवल के अंदर जो हमारा जो मेन
कैरेक्टर है जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उसके अंदर भी जो है कुछ बैड क्वालिटीज़ होती हैं, मतलब ऐसी क्वालिटीज़ होती है जिनको सोसाइटी के अंदर रिस्पेक्ट नहीं किया जाता। तो हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है, प्रोटैगनिस्ट यानी हमारा जो मेन कैरेक्टर है, वो ऑल्दो हमारे इस नॉवल का हीरो होता है बट उसके अंदर भी बैड क्वालिटीज़ हैं, बैड कैरेक्टर्स हैं, और अपनी उन्हीं एक्टिविटीज़ की वजह से जो है वो पूरे नॉवल में छाया रहता है। और उसी तरह की पूरी उसकी कहानी को, प्रोटैगनिस्ट की पूरी कहानी को एपिसोडिक फॉर्म में, यानी जो एपिसोडिक फॉर्म में यानी सीरीज फॉर्म में नॉवल में प्रेजेंट किया जाता है। अब इसमें जो है मेन कैरेक्टर, जैसा कि मैंने बताया कि उसके अंदर बैड क्वालिटीज़ हैं बट स्टिल ही इज़ अ बिलव्ड हीरो, और उसके अंदर सारी जितनी भी बैड क्वालिटीज़ को एक्सप्लॉइट करते हुए जो उसका टारगेट है लास्ट में उसको अचीव करता है। तो यानी ऐसा नहीं है कि, तो यहाँ पे प्रोटैगनिस्ट में गुड क्वालिटीज़ नहीं बल्कि बैड क्वालिटीज़ से रिलेटेड जितने भी जो वर्क है उनको वो शो करता है और अल्टीमेटली एंड में जो भी उसका मेन गोल होता है उसको अचीव कर लेता है। यानी उसका मेन जो गोल है उसको अचीव करना उसके लिए मेन इम्पॉर्टेंट है, रादर देन कि हम उसकी क्वालिटीज़ के अंदर लेके जाएं। तो वो बैड कैरेक्टर होता था, वो गंदे काम भी करता है, तो इस तरह के नॉवल्स में ऐसा देखने को मिलता है। इसके अलावा जितने भी पिकारिस नॉवल लिखे जाते हैं वो रियलिस्टिक टोन में लिखे जाते हैं, मतलब जो कि अभी मैंने बताया, यानी उनमें किसी भी तरह का इमेजिनेशन नहीं बल्कि जैसा उनकी लाइफ में चल रहा है उसी को एज इट इज़ जो है प्रेजेंट किया जाता है। और प्रोटैगनिस्ट नॉवल में जो मेन कैरेक्टर जो होता है हमारा, जो मतलब पिकारिस नॉवल में जो मेन कैरेक्टर होता है वो मेनली जो है जो छोटे बैकग्राउंड से, यानी उसका देखा जाए पॉवर्टी लेवल में वो बड़ा पड़ा होता है, तो उसका जो बैकग्राउंड होता है ना वो उतना रिच नहीं होता है, या फिर बोला जाए कि मिडिल क्लास फैमिली से या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से वो बिलोंग करता है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो है अपने अंदर की जो गोल है यानी अपने अंदर की जो इच्छाएं हैं उनको पूर्ति करने के लिए वो किसी भी हद तक जो है जा सकता है। तो इसी तरह का जो है पिकारिस नॉवल में देखने को मिलता है, अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। तो इस तरह के नॉवल में ना एक्चुअली में क्या होता है, किसी भी तरह का कोई प्लॉट नहीं होता या फिर बहुत कम प्लॉट होता है, तो कहीं भी जो नॉवल है उसकी जो लाइफ स्पेंड हुआ है कहीं ना कहीं जो है एक चैप्टर आपको उसका एक पर्टिकुलर टॉपिक से मिलेगा, दूसरा फिर दूसरा चैप्टर जो है कहीं और से मिलेगा। तो इस तरह के जो नॉवल्स में इस तरह को देखने को मिलता है। तो ये जो पिकारिस नॉवल जो होते हैं इनके जो सीक्वेंस होते हैं, तो वो जो सीक्वेंस होते हैं लूजली कनेक्टेड होते हैं बट डेफिनेटली वो एडवेंचरस होते हैं, तो ऐसा जो है पिकारिस नॉवल में देखने को मिलता है। देन पिकारिस नॉवल के कुछ एग्जाम्पल हैं, द गुड थीफ जो कि 2008 में पब्लिश हुआ था बाय द हाना टेंटी, देन द गुड कंपेनियन बाय द जी बी प्रेस्ली जो कि 1929 में पब्लिश हुआ था, और एक इंडियन नॉवल अभी हाल में ही आपने इसके बारे में अगर पढ़ा हो, द वाइट टाइगर जो कि अरविंद अडिगा का है, जो कि जिसको बुकर अवार्ड मिला था 2008 में, जाके देखिएगा बहुत अच्छी है। और अभी तो इसके ऊपर जो है 2021 में जो है एक मूवी भी रिलीज हुई है जिसके बारे में आप जाके जो है देख सकते हैं। तो द वाइट टाइगर बहुत फेमस नॉवल रहा है और इवन अभी भी जो है काफ़ी लोग जो है इसको बहुत पढ़ते हैं। तो इसमें भी जो कैरेक्टर है वो बैड क्वालिटीज़ को एग्जिस्ट करती है उसके अंदर, और वो कैसे अपने गोल को अचीव करता है आपको इसमें नॉवल में देखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट है हिस्टोरिकल नॉवल। तो हिस्टोरिकल नॉवल नाम से पता चल रहा है कि ऐसा नॉवल जो कि जिस इवेंट्स जो कि इवेंट जो हिस्ट्री में हुए हैं, ऑथर के टाइम में नहीं हुए बल्कि उससे पहले के इवेंट्स हुए हैं उनके ऊपर जो है वो उन इवेंट्स को लिखता है, हिस्टोरिकल नॉवल में लिखता है। अब हिस्टोरिकल नॉवल में किस तरह के नॉवल्स को हिस्टोरिकल नॉवल रखें इसके ऊपर भी जो काफ़ी डिबेट रहता है। तो कुछ लोग मानते हैं कि जो भाई जो ऑथर है अगर उसने पहले 50 साल पहले अपने से बर्थ से पहले यानी जिस समय वो लिख रहा है उससे 50 ईयर्स पहले का कोई कोई इवेंट लिखा है तो उसको हिस्टोरिकल नॉवल कहेंगे, पर उसके ऊपर भी डिबेट है। काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई 25 ईयर्स पहले भी अगर लिखा है तो भी चलेगा, तो इसके ऊपर डिबेट है। बट स्टिल हिस्टोरिकल नॉवल एक ऐसा नॉवल है जो कि पहले के समय में इवेंट्स के बारे में जो है ऑथर जो है उनको लिखता है एक एक करके, और वो जो हिस्टोरिकल नॉवल के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं जो सेटिंग्स हैं वो फिक्शन से रिलेटेड हो सकती हैं, यानी उसमें वो इमेजिनेशन अपनी यूज़ कर सकता है या फिर उनको एज अ फैक्ट्स को उन फैक्ट्स को अपनी इमेजिनेशन के साथ यूज़ करते हुए जो है उनको प्रेजेंट कर सकता है। तो इस तरह के नॉवल जो है आपने को देखने को मिलेंगे। अब इस तरह के नॉवल में आपको जो सोशल कंडीशंस हैं, मैनर्स हैं, जो उनका पहनावा है, कैरेक्टर्स का स्प्रिट है, वो आपको
पहले के पास्ट एज से मिलेंगी, और बट उनको जो प्रेजेंट किया जाएगा वो रियलिस्टिक टोन में प्रेजेंट करेगा, उसमें ऐसा नहीं करेगा कभी भी कि बहुत इमेजिनेशन से कहीं पर भी चला जाएगा, तो इस तरह से नहीं, बल्कि उसको एज अ हिस्टोरिकल नॉवल्स को भी वो बहुत रियलिस्टिक टोन के अंदर ही प्रेजेंट किया जाएगा। अब हिस्टोरिकल नॉवल्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे वॉर एंड पीस बाय द लियो टॉलस्टी एंड वेवरली बाय द सर वॉल्टर स्कॉट, जो कि 1814 में पब्लिश हुआ था। देन द एंड ऑफ द इटर्निटी बाय द एसमोव, जो कि 1955 में पब्लिश हुआ है। देन नेक्स्ट नॉवल है एपिस्टोलरी नॉवल। एपिस्टोलरी नॉवल में अगर देखा जाए तो एपिस्टोलरी नॉवल एक ऐसे, ये जो वर्ड है एपिस्टोलरी, जो वर्ड एपिस्टोला से लिया गया है, जो कि लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है लेटर। ओके, तो लेटर या फिर डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे ऐसे भी नॉवल होते हैं जो कि लेटर के फॉर्म में लिखे जाते हैं या डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में होते हैं, तो उन्हें हम जो हैं एपिस्टोलरी नॉवल कहते हैं। तो इसके अंदर एपिस्टोलरी नॉवल के अंदर जो ऑथर है अपने मैसेज को, अपनी स्टोरी को या फिर अपनी इवेंट्स को लेटर्स की सीरीज में या फिर डॉक्यूमेंट की सीरीज में प्रेजेंट करता है ये, या फिर अगर आप कह सकते हैं डायरी, जो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अपनी डायरी लिखते हैं, पहले लिखते थे, अब पता नहीं कितने लोग इस तरह की एक्टिविटी करते हैं तो डायरी की फॉर्म में लिखते हैं। तो इस तरह के नॉवेल्स में, जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, द क्लास, तो क्लास में भी जो है एक जो पर्सन है, जो ऑथर है, अपनी डेली राइटिंग लिखता है, तो डायरी के फॉर्म में जो है उस नॉवल को प्रेजेंट किया गया है। तो लेटर्स के फॉर्म में, डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में ऐसा जो है एपिस्टोलरी नॉवल जो है देखने को मिलता है। इवन जो अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था द वाइट टाइगर, ये भी जो है लेटर के फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है, सेवन सीरीज की सेवन लेटर्स प्रेजेंट करता है वो, जो हमारा जो ऑथर होता है, और उनको ऑथर वो जो वही ऑथर जो नैरेटिव नरेशन जो है वो है जो चाइना के जो प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया में आ रहे होते हैं उसके फॉर्म में लिखता है। तो कुल मिलाकर एपिस्टोलरी नॉवल में लेटर या डॉक्यूमेंट के फॉर्म में पूरे नॉवल को प्रेजेंट किया जाता है। अब लेटर्स जो हैं वो मेजर सोर्स हैं इस पूरे के पूरे एपिस्टोलरी नॉवल के फिक्शन के इंस्पिरेशन के लिए। और इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया, डायरी एंट्रीज भी जो है आजकल जो है काफ़ी पॉपुलर है एपिस्टोलरी नॉवल के अंदर। अब एपिस्टोलरी नॉवल के कुछ एग्जांपल्स हैं, कैरी जो है 1974 में स्टीफन किंग ने इसको लिखा था। देन द मून स्टोन बाय द विल्की कॉलिन बाय द इन 1868 में पब्लिश हुआ था ये नॉवल। देन ड्रैकुला जो कि बहुत फेमस नॉवल रहा है और ये अभी भी काफ़ी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं इसको इंस्पायर होकर, जो वैम्पायर की जो स्टोरीज़ होती हैं इसी तरह के नॉवल से ली जाती हैं, जो कि ब्रैम स्टोकर ने लिखा था इन 1897 में। देन फ्रैंकस्टीन जो कि 1818 में पब्लिश हुआ था और इसको लिखा था मैरी शैली ने, जिसमें एक पर्सन एक ऐसा गॉथिक नॉवल है, एक कैरेक्टर है जिसके अंदर जो हमारा जो हीरो है उसमें जान भर देता है और आखिरी में किस तरह से उसकी डेथ होती है ये पूरा का पूरा देखने को मिलेगा। तो फ्रैंकस्टीन नॉवल में जो है ऐसा देखने को मिला। देन नेक्स्ट है गॉथिक नॉवल। गॉथिक नॉवल मतलब एक ऐसा नॉवल जो कि जिसमें हॉरर है, बैड कैरेक्टर्स हैं और जैसे बहुत सारे जो ऐसी उसकी जो सेटिंग्स है बहुत डार्क सेटिंग्स में प्रेजेंट किया जाता है, ऐसे नॉवल को गॉथिक नॉवल कहते हैं। तो गॉथिक नॉवल्स के अंदर जो जिस तरह का जो लिटरेचर प्रेजेंट किया जाता है उसमें हॉरर, डेथ और साथ में जो उसकी जो इंडिविजुअलिस्टिक जो प्रेजेंट है पूरा का पूरा सेटिंग जो है गॉथिक नॉवल में देखने को मिलती है। देन गॉथिक नॉवल में टेरर होती है, मिस्ट्री है, हॉरर है, थ्रिलर है, सुपर नेचुरल, डेथ, इवन डिके, इस तरह की जो इवन बहुत सारी अपने ऐसे भी कैरेक्टर्स देखे होंगे जो हॉन्टेड बिल्डिंग्स के अंदर मतलब एक टापू में जाके फंस गए और वहाँ पे एक बिल्डिंग प्रेजेंट है, हॉन्टेड बिल्डिंग है। तो इस तरह के जो नॉवल्स हैं गॉथिक नॉवल में इस तरह के कैरेक्टर्स जो हैं देखने को मिलते हैं, तो इस तरह के थीम पे आधारित होते हैं। तो गॉथिक नॉवल्स में जो पहला नॉवल्स जो है जिससे हम लोग गॉथिक नॉवल्स कहेंगे वो जो है हॉरेस वॉलपूल ने लिखा था, जो कि उसका नाम है द कैसल ऑफ ओटरेंटो, जो कि पब्लिश हुआ था 1764 में, जिसको अब तक का सबसे पहला जो फर्स्ट गॉथिक नॉवल है इसे कहा जाता है। देन कुछ गॉथिक नॉवल्स के कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं, जैसे फ्रैंकस्टीन जो कि अभी मैंने अभी आपको लास्ट में बताया था जो कि मैरी शेली ने लिखा था 1818 में। देन ड्रैकुला ये भी गॉथिक नॉवल्स में ही आता है, ब्रैम स्टोकर ने इसे 1897 में पब्लिश किया था। देन द स्ट्रेंज केस ऑफ द डॉक्टर जैकॉल एंड मिस्टर हेड 1886 जो कि रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन ने लिखा था। देन द पिक्चर ऑफ डॉरियन ग्रे जो कि ऑस्कर वाइल्ड का बहुत फेमस नॉवला बोल सकते हैं, क्योंकि छोटा नॉवल है, तो जो छोटा नॉवल्स होते हैं जो शॉर्ट
फॉर्म में प्रेजेंट किया जाते हैं उन्हें नॉवला कहते हैं, जो कि 1890 में ये पब्लिश हुआ था। देन अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे खुद जो है इंग्लिश लिटरेचर के काफ़ी सारे कोर्सेज हैं। हमारे कोर्सेज में UGC नेट सेट एग्ज़ाम, KVS, TGT, PGT, DSSB, TGT, PGT, EMRS, NVS के TGT, PGT की प्रिपरेशन के लिए हम लोगों ने कोर्स निकाले हैं। PhD एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के, जो कि स्टेट PSC से सेलेक्ट होते हैं, उनके भी ऊपर हमारे जो कोर्सेज हैं, जिनके बारे में आप हमारे व्हाट्सअप पे कॉन्टैक्ट करके हमसे पता कर सकते हैं। देन हमारे बहुत सारे कोर्सेज ऐसे, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो सेट कोर्सेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इंग्लिश लिटरेचर में छत्तीसगढ़ सेट, गुजरात सेट, हिमाचल प्रदेश सेट, कर्नाटका सेट, महाराष्ट्र सेट, उत्तराखंड सेट, राजस्थान सेट, हरियाणा सेट, गोवा सेट और वेस्ट बंगाल सेट की हम लोग प्रिपरेशन कराते हैं। उनके कोर्स जो हैं हमारी पास अवेलेबल हैं, तो इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर हमसे कॉन्टैक्ट करके पता कर सकते हैं इन कोर्सेज से रिलेटेड किसी भी इंक्वायरी को। देन नेक्स्ट को नॉवल है हमारा, नॉवल है ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल। तो ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल यानी ऑटो यानी खुद की बारे में जो स्टोरी है, जैसे बहुत सारे ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल आपने सुने होंगे, पढ़े होंगे। तो ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल यानी बेस्ड ऑन द ऑथर्स लाइफ, यानी ऑथर्स की खुद की लाइफ के ऊपर जो बेस्ड होते हैं उनको जो है हम लोग ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल कहते हैं। अब इसमें जो है ऑथर अपने जहाँ जहाँ वो रहा है, अपनी लोकेशन को वो प्रेजेंट भी कर सकता है एज इट इज़, या फिर उनके लोकेशन के नाम को चेंज करते हुए और उनके कैरेक्टर्स के ऊपर जो है थोड़ा हेर फेर करते हुए भी अपनी लाइफ को, अपने लाइफ के बारे में जो है वो बताता है। तो इस तरह के नॉवल्स को हम लोग जो है ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल कहते हैं। इसमें जो है हो सकता है कि वो फर्स्ट पर्सन नरेशन यानी आई से डिनोट कर सकता है, या फिर वो किसी भी तरह के नरेशन को प्रेजेंट कर सकता है। तो ऐसा जो है ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल में देखने को मिलता है। अब ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कन्फेशन बाय द जीन जैक रूसो, जो कि फेमस फिलोसोफर रहे हैं 18th सेंचुरी में। देन द फॉर्चुनेट लाइफ विच वॉज रिटन बाय द अल्बर्ट फेसी, जो कि 1979 में पब्लिश हुआ था। देन द अ मिलियन लिटिल पीसेस बाय द जेम्स फ्रे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अवर एलिगोरिकल नॉवल। एलिगोरिकल नॉवल नाम से पता चल रहा है कि ऐसा कहीं बहुत मतलब इसको एलिगोरिकल नॉवल को अगर आप वन लाइन में, वन वर्ड में प्रेजेंट करेंगे तो इसको हम लोग कहते हैं एलिगोरी नॉवल। देन एलिगोरिकल नॉवल में अगर देखा जाए, एक ऐसा नॉवल होता है जिसमें मतलब स्टोरीज के वर्ड्स के अंदर नहीं जाते, मतलब उसके जो वर्ड का जो मीनिंग होता है वो बहुत मल्टीपल लेवल पर होता है, मल्टीपल लेयर में होता है। तो उसका अपना खुद के वर्ड्स का मीनिंग जो है, हर जो रीडर है जो उसको पढ़ रहा है वो अपनी अपनी लाइफ को प्रेजेंट करते हुए उसका मीनिंग जो है अलग अलग ले सकता है। अब खास तौर से ऐसे नॉवल के अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं, लोकेशंस होती हैं, जो इंसिडेंट्स होते हैं, जो हमारे रियल लाइफ इवेंट्स और सिचुएशन के जो ऊपर जो आधारित होते हैं उसके ऊपर होते हैं। और इसी तरह के नॉवल्स में जो है हमारे जो है एलिगोरिकल नॉवल कहते हैं, यानी स्टोरी जो कुछ और चल रही है बट उसका जो मीनिंग है वो डाइवर्स है। तो इस तरह के नॉवल को हम लोग जो है एलिगोरिकल नॉवल कहते हैं। और इसके एलिगोरिकल नॉवल के जो लिटरल मीनिंग जो है ना, वो डिपेंड करता है कि कैसे हम लोग जो हैं उसके मीनिंग को, सिंबॉलिक मीनिंग को जो है अलग अलग ले रहे हैं। तो इस तरह के नॉवल्स को हम लोग जो है एलिगोरिकल नॉवल कहते हैं। अब एलिगोरिकल नॉवल का जो सिग्निफिकेंस है अब, या इसको जो, इस वर्क को जो प्रेजेंट किया जाता है, इट में भी पॉलिटिकल, इट में भी रिलीजियस, हिस्टोरिकल और में भी फिलोसफिकल। और ख़ास तौर से फिलॉसफी के अंदर जो है एलिगोरिकल नॉवल का जो है बड़ा रोल है, क्योंकि वहाँ पे जो वर्ड्स का जो खेल है, वो जो वर्ड का जो सिचुएशन है उसका जो सिंबॉलिक मीनिंग है वो अलग अलग जो है प्रेजेंट किया जाता है। तो इस तरह के नॉवल को हम लोग जो है एलिगोरिकल नॉवल कहते हैं। अब एलिगोरिकल नॉवल के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे द टेम्पेस्ट बाय द विलियम शेक्सपियर, देन द पिलग्रिम प्रोग्रेस बाय द जॉन बुनियन, देन द स्कारलेट लेटर्स बाय द नेथनल हॉथरन, क्रूसिबल बाय द आर्थर मिलर, ये एक ड्रामा कह सकते हैं आप इसको, ओके, एंड द एनिमल फॉर्म बाय द जॉर्ज ऑरवेल, जो कि बहुत फेमस हुआ है, अभी भी काफ़ी लोग जो है इसको पढ़ते हैं, एनिमल फॉर्म जॉर्ज ऑरवेल का। इवन इनका जो एक और नॉवल है 1984, बहुत फेमस है, आप जाके देखिएगा इसके बारे में, जिसमें काफ़ी ये फेमस हुआ है, अभी भी जो है जो इसके बारे में जो जो बोला जाए कि जो ऐसी गवर्नमेंट जो कि डिक्टेटरशिप टाइप की या फिर टोटलिज्म जो गवर्नमेंट होती है उनके बारे में, इसके बारे में जो है सटायर प्रेजेंट किया गया है। तो खास तौर से एनिमल फार्म के अंदर भी इसी तरह की पॉलिटिकल सिचुएशन को बताया गया है। देन नेक्स्ट नॉवल है
टाइप का ऑफ नॉवल है, ओटोपियन नॉवल। ओटोपियन नाम से पता चल रहा है कि ऐसा एक नॉवल जो कि आइडियल सिचुएशन को प्रेजेंट करता हो, यानी परफेक्ट सोसाइटी को प्रेजेंट करता हो, उसको हम लोग जो है ओटोपियन नॉवल कहते हैं। अब ओटोपियन नॉवल में जो टाउन होती है, सोसाइटी होती है, उसको एकदम जो 100% जो आइडियल होता है, उस तरह के कैरेक्टर से शो किया जाता है ओटोपियन नॉवल के अंदर। और इसके अंदर जो मैक्सिमम जो ओटोपियन नॉवल जो होते हैं, इसमें आपको साइंस फिक्शन और फैंटेसी का जो इमेजिनेशन है वो खास तौर से इस तरह के ओटोपियन नॉवल्स के अंदर देखने को मिलता है। और ओटोपियन नॉवल में एक तरह से परफेक्ट सोसाइटी को प्रेजेंट किया जाता है, एकदम आइडियलिस्टिक सोसाइटी को प्रेजेंट किया जाता है। तो ओटोपियन नॉवल में जो सबसे पहला जो नॉवल लिखा गया था वो आपसे नाम से ही है, जो कि इसको हम लोग ओटोपिया कहते हैं, जो कि 1516 में पब्लिश हुआ था बाय द सर थॉमस मोर ने इसको लिखा था। देन द रिपब्लिक, जो कि बहुत पहले आज से करीबन 2500 साल पहले लिखा गया था, बाय द प्लेटो, बाय द रिपब्लिक, उसे कहते हैं द रिपब्लिक बाय द प्लेटो। ये अपने आप में इसको आप कह सकते हैं ओटोपी, ये ओटोपियन सोसाइटी को प्रेजेंट करने वाला पहला नॉवल रहा है। देन द हिस्ट्री ऑफ रसलेस बाय द सैमुअल जॉनसन, और इरेवून बाय द सैमुअल बटलर जो है, ये कुछ ओटोपियन नॉवल के एग्जाम्पल है। देन नेक्स्ट है डेस्टोपियन नॉवल। डेस्टोपियन एकदम उल्टा ओटोपियन नॉवल का। ओटोपियन में एकदम आइडियल सोसाइटी, डेस्टोपियन में एकदम उसका जो अपोजिट है, यानी सबसे बैड सोसाइटी, उसको प्रेजेंट किया जाता है डेस्टोपियन नॉवल में। तो डेस्टोपियन नॉवल जो है इसमें एकदम परफेक्ट जो ओटोपियन सोसाइटी का एकदम अपोजिट है, जैसे मैंने आपको बताया 1984 जो है जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा था, तो एक तरह का वो डेस्टोपियन नॉवल है अगर आप उसको देख सकें। अब ओटोपियन सोसाइटी का एकदम अपोजिट होता है। अब इसमें जो ऑथर है एक ऐसे इमेजिनरी प्लेस का या स्टेट का बारे में इमेजिन करता है जिसके अंदर जो लाइफ, जो कंडीशन है लाइफ की, वो बहुत बैड है, जिसके अंदर बहुत गरीबी है, पॉवर्टी है, टेररिज्म है, और सभी लोगों को वहाँ पे पूरा अधिकार नहीं है, उनको वहाँ पे जो उनके जो सिटीजन्स हैं उनको एज अ स्लेव ट्रीट किया जाता है। तो इस तरह के जो नॉवल्स हैं उनको हम लोग जो है डेस्टोपियन नॉवल कहते हैं। डेस्टोपियन नॉवल में किसी भी तरह की जो है फ्रीडम नहीं होती सिटीजन्स को, सारे के सारे जो इतने भी लोग हैं पावर को, मतलब जो मेन गवर्नमेंट होती है उसमें सबमिशन होते हैं, इवन जो पूरा कंट्रोल होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट पे, गवर्नमेंट का होता है, टोटलिज्म गवर्नमेंट का, अब से आप गवर्नमेंट कह लें या फिर डिक्टेटरशिप कह लें, वो सब जो है डेस्टोपियन नॉवल में मिलता है। इसमें इवन फैमिली जो इसके जो इंडिपेंडेंट थॉट्स हैं, जेंडर, जो सब जो है डेस्टोपियन नॉवल में जो है सभी का ऊपर जो कंट्रोल होता है कुछ ही लोगों का होता है, तो उसमें जो है डेस्टोपियन नॉवल जो है इस तरह के नॉवल्स में आता है। अब डेस्टोपियन नॉवल में जो सोसाइटी होती है, जो इसमें जो लोग जो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं वो बहुत डर डर के रह रहे हैं, यानी जो उसमें ह्यूमन बीइंग हैं उनकी जो कंडीशंस है वो अच्छी नहीं है काफ़ी, जो आज भी जो है इस तरह के जो कंट्री है वो देखे जा सकते हैं, जिसमें नॉर्थ कोरिया जो है बेस्ट एग्जाम्पल है। अब इसमें जो सोसाइटी को प्रेजेंट किया जाता है उसमें किसी भी तरह का कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, यानी टेक्नोलॉजी से उनको डराया जाता है, इवन उनके अंदर जो करप्शन जो है, मतलब जो करप्शन ऊपर के लेवल की जो लोग हैं उनमें करप्शंस हैं, और उस करप्शन से जो है वो नीचे के लोगों पर किसी भी तरह से अधिकार करके रह रहे हैं, इस तरह का जो है डेस्टोपियन नॉवल में होता है। देन सोच अल्टीमेटली जो डेस्टोपियन नॉवल के अंदर जो सोसाइटी को जो प्रेजेंट किया जाता है ना, वो डिफरेंट टाइप के क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, और जो सबसे नीचे की जो सोशल क्लासेस होती हैं और कैसे ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करना है वो जो है इस तरह के नॉवल्स में देखने को मिलता है। अब इसमें जो गवर्नमेंट की जो जैसा डिक्टेटरशिप है और किस तरह से वो एक्सप्लॉइट करती है लोगों को, इस तरह के नॉवल्स में देखने को मिलता है। अब इसमें जो कुछ एग्जांपल्स हैं, द हंगर गेम्स बाय द सुजैन कॉलिंस, देन 1984 बाय द जॉर्ज ऑरवेल मैंने बताया आपको, देन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड बाय द एल्डर्स हॉक्सले जो कि लिखा है, बहुत फेमस नॉवल है, जाके देखिएगा, और द गिवर बाय द लुइस लॉरी, ये है कुछ डेस्टोपियन नॉवल के कुछ एग्जांपल। देन साइकोलॉजिकल नॉवल, नाम से पता चल रहा है कुछ ऐसे नॉवल जो कि कैरेक्टर के अंदर के जो इमोशंस हैं किस तरह से वो रन कर रहे हैं उनका जो डिटेल में जो डिस्कशन है साइकोलॉजिकल नॉवल में होता है, जिसके अंदर खास तौर से जो मेन प्रोटोगनिस्ट है, जो मेन कैरेक्टर है, किस तरह की जो उसकी लाइफ चल रही है, कैसे उसके अंदर के जो भाव हैं, कैसे उसके जो विचार हैं, किस तरह से वो ऊपर नीचे हो रहे हैं, किस तरह से उसके जो विचार हैं अपने जो एक्सटीरियर जो सरकमस्टांस हैं उनको लेकर उसके अंदर मन में क्या कौन से
विचार आ रहे हैं, कैसे थॉट्स आ रहे हैं, जो सारा जो है साइकोलॉजिकल नॉवल में देखने को मिलता है, साथ में किस तरह के जो मतलब जो मेन कैरेक्टर्स जो हैं, इवन जो सारे जो कैरेक्टर्स हैं, किस तरह से उनके जो स्पिरिचुअल इमोशनल और उनकी जो मेंटल लाइफ है किस तरह से जा रही है, वो जो है साइकोलॉजिकल नॉवल में जो है ऐसा देखने को मिलता है। इसके अलावा जो कैरेक्टर के जो मतलब उनके जो एक्शन है, यानी उनके खुद की इंटरनल थॉट्स को कैसे उनके एक्शन पर कैसा वो मोटिवेट होते हैं उन एक्शन को करने के लिए, जैसे मान के चलिए कोई हीरो जो है किसी का खून कर देता है, तो वो क्यों खून कर रहा है, उसका मर्डर क्यों कर रहा है, उसके पीछे उसका कोई मोटिव होगा, तो क्या मोटिव है, तो वो मोटिव जो है उसके खुद के इंटरनल थॉट प्रोसेस को प्रोवाइड उसको जो है एक एक करके इवेंट्स के फॉर्म में जो है वो जो है साइकोलॉजिकल नॉवल में प्रेजेंट किया जाता है। अब इसमें जो है कैरेक्टर की अपनी खुद की इनर थिंकिंग जो है उसको इतना डिटेल में डिस्क्राइब कर देते हैं, तो खास तौर से जैसे कोई मर्डर है, कोई मर्डर कर रहा है वो क्यों कर रहा है मर्डर, उसका क्या उसका मोटिव है, उसके पीछे की उसकी क्या थॉट प्रोसेस है, उसको जो है खास तौर से साइकोलॉजिकल नॉवल में प्रेजेंट किया जाता है। अभी मैं उसका एग्जांपल दूंगा, बहुत बेस्ट एग्जांपल है, जाके उनको पढ़िएगा, और उस तरह के नॉवल्स में जिसमें द ब्रदर करामाजोव और द क्राइम एंड पनिशमेंट जो कि बहुत फेमस नॉवल रहे हैं, दो नॉवल हैं एक्चुअली में, द ब्रदर करामाजोव जो है वो अलग है, द क्राइम एंड पनिशमेंट जो है वो अलग है, जिसको फेडोर डॉस्टोवस्की ने लिखा है, बहुत फेमस रशियन नॉवलिस्ट रहे हैं अपने समय में ये, और उन्होंने इनके द्वारा जितने भी नॉवल लिखे गए हैं उनकी जो सारे नॉवल जो हैं उनमें आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड जो थिंग है ना वो देखने को मिलेगी। और साइकोलॉजिक्स नॉवल में हंगर, मिस्ट्रीज और पेन जो कि 1892 में और 1894 में एक बहुत फेमस नॉर्वियन नॉवलिस्ट रहे हैं नहीं है जिनका नाम है नुट हमसन, एक्चुअली में जो नॉर्वियन में जो उसका प्रोनाउंसिएशन है एकदम अलग है, तो इसको हम लोग जो नट हमसन ही कहेंगे, वैसे इंग्लिश से मैंने ड्राइव किया है ये वर्ड, तो इसको जाके आप इनको देखिएगा नॉवल को, बहुत फेमस रहे हैं अपने समय में, और इवन आज भी जो है काफ़ी जो लोग जो हैं इस नॉवल को देखते हैं, इवन जो क्राइम एंड पनिशमेंट है ना जो फर्दर डॉस्टोवस्की ने लिखा है, इसमें देखने को मिलता है कि किस तरह से कोई भी पर्सन जो है क्या क्या क्राइम करता है। तो एक्चुअली में ये दो नॉवल हैं, द ब्रदर्स करामाजोव जो है अलग है, क्राइम एंड पनिशमेंट जो है अलग नॉवल है, तो दो नॉवल्स जो हैं फ्योदर डॉस्टोवस्की के हैं। देन नेक्स्ट है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल मतलब एक एक करके जो जो लाइफ में हो रहा है उसी को एज इट इज जो है एक सीक्वेंस वाइज जो है प्रेजेंट करना जो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल में आता है। और इस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का जो टर्म है, ये जो टर्म था वो विलियम जेम्स ने अपने वर्क प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में 1890 में पब्लिश किया था। इस वर्ड को कोई भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसको आप ध्यान रखिएगा इस टर्म को। अब ये जो वर्ड है ये पर्टिकुलर एक किस तरह की थिंकिंग जो है फ्लो करती है लोगों के अंदर, और उस थिंकिंग के अकॉर्डिंग उसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर जो प्रेजेंट किया जाता है उसे हम लोग जो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। और इसमें जो है जो उनके प्लॉट्स हैं उनका जो सीक्वेंस है जैसे जैसे वो आ रहे हैं उनको एज इट इज़ जो है प्रेजेंट किया जाता है। यानी ऐसा नहीं कि कोई भी सीक्वेंस जो पास्ट में हुआ उसको एज इट इज प्रेजेंट कर दिया जाएगा, नहीं, एकदम सीक्वेंस को इवेंट्स में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्रेजेंट किया जाता है। इनको हम लोग जो है यानी कि किस तरह से फ्लो हमारी थिंकिंग कर रही है, फ्लो ऑफ थिंकिंग जो है उस पर बेस्ड है। और जो नॉवलिस्ट के जो मतलब जो जिस तरह से वो नैरेट्स करता है कैरेक्टर के अंदर जो उसके माइंड में जो आ रहा है उसको जो है इस तरह से जो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में प्रेजेंट किया जाता है। अब इसमें कुछ फेमस नॉवल हैं, यूलिसिस बाय द जेम्स जॉयस 1922 में। एक्चुअली में यूलिसिस जो है एक ही दिन का नॉवल है, मतलब एक दिन का मतलब पूरे वन डे को 24 आवर्स को प्रेजेंट किया गया है, और ये जेम्स जॉयस का अब तक का सबसे फेमस नॉवल है, जाके इसको आप देखिएगा यूलिसिस। देन मॉली बाय द सैमुअल बेकेट विच वॉज पब्लिश इन 1951। देन नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड, ये भी बहुत फेमस नॉवल रहा है जो अगेन फर्दर डॉस्टोवस्की का 1864 में इसको पब्लिश किया गया था। देन इसके बाद है मिसिस डॉलवे जो कि वर्जीनिया वुल्फ का 1925 में ये नॉवल लिखा गया है, पब्लिश हुआ है, बहुत फेमस नॉवल रहा है, जाके देखिएगा। इसमें भी उनकी मिसिस डॉलवे के एक दिन का पूरा स्टोरी का जो है पूरा कॉन्शियसनेस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के ऊपर ये नॉवल बेस्ड है, तो इन चारों को आप जो है प्रेजेंट कर सकते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल के अंदर। देन As I Lay Dying, which was published in 1930 by the William Faulkner, जाके इसको देखिएगा इन novels के बारे में। Then last है Bill Unz Roman novel। तो Bildungsroman Roman novel जो है ये एक word है, German word है, तो sorry for the pronunciation, इसका मैं सही तरह से इसको pronounce नहीं कर पा रहा क्योंकि ये एक बहुत
एक्चुअली जो वर्ड है ये जर्मन वर्ड है, इसमें जो होता है बिल्डसर्गुमन नॉवल में जो वर्ड है ये, जैसे मैंने बताया इसका मतलब है, इसका मीनिंग है ग्रोथ। जैसे एक पर्सन की जो ग्रोथ है बचपन से लेकर एडल्टी मतलब एडल्ट तक होने तक किस तरह का जो ग्रोथ होता है किसी पर्सन के अंदर, उसी तरह का जो पूरा ग्रोथ है ना वो नॉवल में आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें जो है मेन जो प्रोटैगनिस्ट है उसका माइंड, उसका स्पिरिट, उसका कैरेक्टर कैसे बिल्ड होता है फ्रॉम चाइल्डहुड का एडल्टहुड, वो जो है पूरा का पूरा जो मतलब एक तरह से उसे फिक्शनल बायोग्राफी में प्रेजेंट किया जाता है और मे बी ऑटोबायोग्राफी के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है इस तरह के नॉवेल्स के अंदर, जिसमें जो बेस्ट एग्जांपल हैं द हिस्ट्री ऑफ टॉम जॉन्स विच वाज पब्लिश इन 1749 बाय द हेनरी फील्डिंग, देन कैंडिड बाय द वॉल्टर 1759, देन वुथरिंग हाइट्स बाय द एमरी ब्रॉन्टे 1847, देन नेस्का नेजवाना विच वाज पब्लिश इन 1849 बाय द फॉर्जर डॉस्टोवस्की, देन डेविड कॉपरफील्ड अगेन 1850 में पब्लिश हुआ था, चार्ल्स डिकन का बहुत फेमस नॉवल है क्योंकि डेविड कॉपरफील्ड की पूरी लाइफ को जो है इस नॉवल में पूरा का पूरा प्रेजेंट किया गया है, देन ग्रेट एक्सपेक्टेशन अगेन बाय द चार्ल्स डिकन इन 1861, एंड द अगेन लिटिल वुमेन बाय द लूसिया मे एलकॉट्स विच वॉज पब्लिश इन 1869। तो ये जो हैं इंपॉर्टेंट नॉवल्स जो हैं हमने आपके सामने प्रेजेंट किए, और स्टूडेंट्स हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है, और उस व्हाट्सएप नंबर पर हमारे कोर्स से रिलेटेड किसी भी तरह की इंक्वायरी को आप हमसे पूछ सकते हैं, और किसी भी तरह के कोई भी अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो उसके बारे में हमसे पूछ सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, एंड प्लीज़ शेयर करिएगा इस वीडियो को जिन लोगों तक, ये सभी लोगों तक जो वीडियो है ये पहुंच सके। तो अब हम लोग जो है एक एक करके ये जितने भी नॉवल मैंने आपके सामने प्रेजेंट किए हैं उनके बारे में जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है ना मैं आगे के वीडियो में जो है आपको बताऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।